सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा। साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम कुछ मैथ का ऐसा विषय, ऐसा टॉपिक को देखेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बनाने में भी मजा आएगा और यूं ही बन जाएगा। आइए देखते हैं कैसा है ये आज का क्वेश्चंस। साथियों क्वेश्चंस देखिए, यहाँ है 518 पे 246 जीरो है, क्या साइंटिफिक मान क्या होगा? इसका आपको साइंटिफिक मान पूछ रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल एग्जाम में आते हैं और आएंगे और इस टाइप का रहोगा, उसका साइंटिफिक वैल्यू आपको निकालना होगा, साइंटिफिक वैल्यू क्या होगा। तो देखिए 518 है ना, 518 गुने 1 2 3 4 5 6 यानी हम एक पर 6 जीरो लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 हूबहू क्वेश्चन को ही हम दूसरा फॉर्म में बदल दिए। क्वेश्चन क्या है, सेम ही है, इसमें 10 का गुना करके 518 गुने 10 के पावर 6 यानी 10 को 6 बार गुना किया हुआ है, तो हम 518 गुने 10 के पावर ये 10 एक पर 6 शून्य दे दिए और हमको पूछ रहा है इसका साइंटिफिक मान। अब साइंटिफिक मान वैसे मान को कहते हैं जो प्रत्येक डिजिट में एक ही डिजिट के बाद दशमलव आना चाहिए, तो वो हमको साइंटिफिक वैल्यू में आ जाएगा। मतलब अगर ये 518 पर इतना जीरो है तो हमको 5 दशमलव और जीरो करके और उसको एक ऐसा फॉर्म में ला देना है जो एक विस्तारित रूप ना हो और दशमलव भी आ जाए। तो हमको साइंटिफिक वैल्यू कहने का मतलब है कि एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमको 5 के बाद दशमलव लाना होगा, तो दशमलव के बाद यहाँ पे कितना जीरो, कितना डिजिट बच रहा है, कितना अंक बच रहा है, तो 2 अंक बच रहा है, 2 अंक बच रहा है, तो हमको इसे 100 से भाग देना होगा। कितना से भाग देना होगा, 100 से भाग देना होगा, तो हमको एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। लेकिन मैथ में ये नियम है कि अगर हम 100 से नीचे में भाग दिए हैं तो 100 से ऊपर में गुना भी करना होगा। क्या ऐसा है? तो अगर हम 100 से भाग दे दिए तो हमको इधर में 100 से गुना भी करना होगा, तब तो हम प्रत्येक क्रिया में सेम कोई अंतर, कोई फर्क नहीं आएगा ऐसा करेंगे तो। तो देखिए अगर हम 100 से इसमें भाग देंगे तो ये 5.18 आ जाएगा, आएगा। अगर 100 में किसी भी, मान लीजिए कि यहाँ 518 बटे हम 1000 से हम इसमें भाग दे देते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0.518 यानी नीचे में 3 जीरो है तो आपको दशमलव के बाद तीन डिजिट आ जाना चाहिए। कोई भी हम जीरो वाला संख्या से भाग देते हैं तो मान लीजिए कि हम 282 ये 2828 में अगर हम मान लीजिए कि हम 10,000 से अगर भाग दे दिए तो इसका हम डायरेक्ट आंसर कितना करेंगे कि दशमलव के बाद हमको 4 डिजिट होना चाहिए, तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, इसे भाग देंगे तो यानी 0 दशमलव इतना हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमको यहाँ दशमलव लाने के लिए 100 से भाग देना पड़ा, यानी ये हो गया 5.18, इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये तो पहले से इतना था ही और ये आ गया, तो यानी 10 पे हम कितना ये पावर कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 10 के पावर हम 8 लिख सकते हैं और यही एक साइंटिफिक वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। यानी एक सुंदर रूप में सजा देना है, कोई भी वैल्यू दिया रहे, जब भी अंतरिक्ष विभाग का कार्य होता है या अंतरिक्ष में जितने भी साइंटिफिक लोग काम करते हैं
वो साइंटिफिक वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं ताकि बड़ा डिजिट ना हो, एक छोटा सा फॉर्म में आ सके और छोटा सा फॉर्म में हम उस चीज को विस्तारित रूप को एक छोटा सा फॉर्म में ला दे, हमारा आंसर हो गया। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं कि इसका स्क्रीन शॉट ले तो प्लीज ले लीजिए। और इस पर आधारित दो तीन और हम सवाल उदाहरण को देखते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लीजिए हमको कह रहा है 826 एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, इतना का साइंटिफिक मान क्या होगा। चलिए, इतना का मान कह रहा है तो हमको पहले इसको पकड़ना है, जो डिजिट वाला है उसको पकड़ना, यानी 826 गुने 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 हो गया। अब हमको यहाँ पे एक अंक के बाद जीरो लाना है, तो एक अंक के बाद दशमलव लाना है, तो हमको इसको 100 से भाग देना होगा। और जैसे ही हम इसमें 100 से भाग देंगे तो हमको 100 से ऊपर में गुना भी करना पड़ेगा, यानी अंश और हर का क्रिया प्रत्येक दशा में हम सेम कंडीशन में करना होगा, हम कुछ भी अलग नहीं कर सकते हैं ताकि उसका वैल्यू सेम रहे, उसका मान में कोई फर्क नहीं पड़े। अगर हम यहाँ 100 से भाग दिए हैं तो हमें 100 से गुना भी करना होगा, तो हम 100 से ऊपर में गुना भी कर दिए, हम 100 से गुना कर दिए। अब जैसे हम 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8.26 आ गया। अब ये नीचे वाला ये 100 का काम कंप्लीट हो गया, इसका वैल्यू इतना आ गया। अब देखिए, पहले से 2, 4, 6, 8 पहले से ही तो इस पे 8 शून्य था ही, और अभी ये जो भाग दिए हैं दो वाला तो वो 8 × 2 = 10, यानी 10 के पावर 10 हो गया। ये आपका साइंटिफिक वैल्यू आ गया, ये साइंटिफिक मान आ गया। जब भी एग्जाम में, जब भी परीक्षाओं में इस टाइप का सवाल रहे कि साइंटिफिक वैल्यू निकालिए, प्लीज ये बात को हमेशा याद रखना है कि एक डिजिट के बाद ही हमें दशमलव लाना है, एनी हाउ। उसमें जो भी आपको क्रिया करना है, जो भी आपको प्रक्रिया करना है आप कीजिए, लेकिन एक डिजिट के बाद ही दशमलव आना चाहिए, साइंटिफिक वैल्यू का ये मतलब होता है। चलिए एक एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं। अगर इस टाइप से यहाँ पे देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं। मान लीजिए 7, 6, 2, 6, 7, 2, 6, 1, 2 का साइंटिफिक वैल्यू क्या होगा। साइंटिफिक मान क्या होगा, चलिए मेरा ओरिजिनल फॉर्म कितना है, 762, कितना है 7, 6, 2, इसमें 10 से कितना दो बार गुना किया, यानी 100 से इसमें गुना किया है, डबल शून्य है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं क्या। अगर लिख सकते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए, अब हमको एक डिजिट के बाद दशमलव लाना है, एक डिजिट के बाद हमें दशमलव लाना है, तो आपको इसमें हमको 100 से भाग देना होगा, और जैसे ही 100 से भाग हम दिए तो 100 से हमें गुना भी करना होगा, तो आप इसमें 100 से गुना भी कर दिए ताकि प्रक्रिया का जो भी हमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, ये मैथमेटिक्स रूल है। तो जैसे ही हम 100 से भाग देंगे यहाँ दशमलव आ जाएगा, यानी 7.62 आ गया, इंटू 10 to the power 1, 2, 3, 4 चार शून्य हो गया, ये हमारा साइंटिफिक वैल्यू आ गया, ये हमारा क्या हो गया, साइंटिफिक वैल्यू आ गया। अब साइंटिफिक वैल्यू में हम, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी सवाल छूट पाएगा, बहुत आसानी से आप इसको कैच पर पकड़ पाएंगे, और यह हमने बहुत बेसिक चीज को बताया है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो मैंने छोड़ा है, और पूरा इसमें एक एक पॉइंट पे मैंने बात की है। अगर इसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट लिखना मत भूलिएगा। आप कमेंट लिखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, और हमें लगता है कि इस चीज की बदलाव की जरूरत है, तो आपका एडवाइस हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
चलिए साइंटिफिक वैल्यू मुझे लगता है कि अब भली भांति समझ गए होंगे। अब सवाल, आज के सवाल का दूसरे टाइप में चलेंगे। देखिए क्वेश्चन रहेगा 0.47 पर रेक्रीन, इसका आपको वैल्यू निकालना है। आपको इतना ही परीक्षा में रहेगा, इतना ही रहेगा सवाल। 0.47 पर ये दोनों पर रेक्रीन है। रेक्रीन का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बहुत ही महत्व होता है, हमें इस चीज को हमेशा याद रखना होगा। तो देखिए दशमलव के बाद दोनों पर रेक्रीन है, इसको हम किस प्रकार बनाएंगे? तो यहां जीरो है, यहां जीरो ही नहीं कोई भी डिजिट हो तो हमें उसको प्लस करना है। तो जीरो प्लस, यहां 47 है तो 47 लिख देंगे। यहां दोनों पर रेक्रीन है तो नीचे में दो रेक्रीन के बदले दो को नौ लिखना होगा। अगर मान लीजिए एक रेक्रीन है तो हमें ए को नौ लिखना होगा, एक नाइन लिखना होगा। तो इस प्रकार हो गया। तो 47/99, तो 0 47/99 में अगर जीरो जोड़िएगा तो उतना ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका मान में। यानी 47/99 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए आपका सवाल दिया हुआ रहेगा 1.27 और ये दोनों पर रेक्रीन है, कब हेलो क्या होगा? ये एक पर रेक्रीन नहीं है, ये डबल पर रेक्रीन है, ये सिर्फ दो ही डिजिट पर रेक्रीन है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक को हमको प्लस करना है। 1+ ये 27 है ना, 27 ये दोनों पर रेक्रीन है तो 2×9 हमको नीचे लिखना होगा। अब आप इसको प्रोसेस में ला दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो एक जरूर होगा, एक और 99 का आप एलसीएम लेंगे तो 99 होगा। एक में जब 99 से भाग दीजिएगा तो 99 बार आएगा, तो 99 को अगर एक से गुणा करेंगे तो आपको 99 हो जाएगा। प्लस 99 में 99 से भाग दीजिएगा तो एक बार में कटेगा, और एक को 27 से गुणा कीजिएगा तो 27। ये दोनों को जोड़ दीजिए, 9 7 16, 9 2 11 और 1 12/99, यानी 126/99 आपका आंसर हो गया। देखिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए सवाल रहेगा 2.357 और ये तीनों पर रेक्रीन है और इसका हमको वैल्यू पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया है कि जितना डिजिट पर रेक्रीन रहेगा उतना नौ हमको नीचे लिखना है, यानी हर में लिखना है, अंश में तो वही रहेगा। तो देखिए 2+ कर दीजिए, जो दशमलव के बाहर है उसको 2+ कर दीजिए, प्लस 357 बटे ये 3 पर रेक्रीन है तो हमको 3×9 नीचे लिखना होगा, 1, 2 और 1, 3। देखिए अब यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो हमेशा रहता ही है, 1 तो आपको पता होना चाहिए, फ्रैक्शन चैप्टर का ये है। आप फ्रैक्शन में जब भी पढ़े होंगे तो 1 तो हमेशा हर एक डिजिट में छुपा ही होता है, बशर्ते कि वो फ्रैक्शन में होना चाहिए। 1 और 999 का एलसीएम भी आपका 999 हो जाएगा। 1 से जब 999 में भाग दीजिएगा तो 999 बार आ जाएगा, तो 999 को आप 2 से गुना कीजिएगा तो 9 2 18 9 2 18 19 9 2 18 19 5। अगर 999 को 999 से भाग दीजिएगा तो एक बार आएगा, 1 को जब 357 से गुना कीजिएगा तो 357 ही रहेगा। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 7 15 5 9 5 14 और 1 15 9 3 12 और 1 13 1 1 2/999, यानी 355/999 आपका आंसर हो गया। आइए आशा करती हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक सवाल है, 0.393939 और ये डॉट 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 इन्फिनिटिव तक है, अनंत तक है, इसका कहीं भी कोई अंत नहीं है। इस प्रकार 3 9 3 9 3 9 आते जा रहा है। तो कह रहा है कि इसको भिन्न के रूप में बदलिए। इसको आप भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे?